नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है बिजनौर से, जहां नजीबाबाद में दिन दहाड़े इंदु सराफ की दुकान से हुई लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के मामले में फरार एक बदमाश को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे बदमाश की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में लूटे गए माल व अवैध हथियार बरामद किए हैं। 11 जून को जनपद बिजनौर के नजीबाबाद कस्बे में बिंदु सर्राफ वाइफ ऑफ अरुण के दुकान से, जो सराफा की नामी ग्रामी दुकान है, बिंदु सर्राफ के द्वारा स्वयं एक अभियुक्त साबिर और उसका साथी हैदर दोनों ने मिलकर के लूट किया था। लगभग 100 ग्राम सोना था। दुकान के अंदर साबिर आया था, जिसके सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई उसके हुलिया की, बिंदु सर्राफ ने स्वयं पहचान किया। ये दोनों अभियुक्त भोपाल के रहने वाले हैं। सर्विलांस टीम, स्वाट टीम तथा थाना नजीबाबाद की पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत इसको गिरफ्तार किया। ये अभियुक्त अपराध करने के बाद भोपाल चले गए थे, दोबारा अपराध करने के लिए आए थे, जो आज़ाद चौक से कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के समय इनके पेट से 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त हैदर, जिसकी गिरफ्तारी शेष है, टीमें लगाई गई हैं। रिकवरी के रूप में जो इन्होंने भोपाल में ही सोना बेचा था, 8,500 रुपया बरामद हुआ है। शेष की बरामदगी एवं हैदर की गिरफ्तारी शेष है। ठीक है, तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए टीटीएन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।